सरकारी प्राथमिक विद्यालय चंटीमुल्ला बांदीपोरा की स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां शिक्षकों की भारी कमी से बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 150 से अधिक छात्र और केवल एक शिक्षक होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई है। अभिभावकों ने मीडिया को बताया है कि हाल ही में 3 अलग अलग स्कूलों को एक स्थान पर मिला दिया गया, जिससे छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षकों की कमी के कारण सभी छात्रों को पढ़ाने का भार एक शिक्षक पर आ गया है, जिससे शिक्षा संकट पैदा हो रहा है। अभिभावकों ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से इस मुद्दे को तुरंत हल करने और बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यदि इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो इससे बच्चों के शैक्षिक भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अभिभावकों ने आगे कहा कि यदि प्रशासन 150 बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं करा सकता है तो उन्हें स्कूल बंद कर देना चाहिए, ताकि वे सुनिश्चित कर सके कि उनके बच्चे समय पर कुछ कौशल सीख सके। उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपने बच्चों से अपना नाम लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन वे ऐसा भी नहीं कर पाते। हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, हम वंचित लोग हैं और अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते। इस स्थिति में बच्चों की शिक्षा को अधिक नुकसान से बचाने और स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। सर, मैं टंगदजी से हूँ, तो यहाँ जो हमें इस स्कूल का भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये चोटीमुला का स्कूल है, जीपीएस प्राइमरी है। और जो हमें जो अपने स्कूल टंगदजी की बात करूँ, वहाँ के जो हमारे बच्चे थे वहाँ पे तकरीबन 6 या 7 साल से वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम रहा। उसके बाद गवर्नमेंट को बिल्डिंग ना बनने की वजह से उन्होंने यहाँ शिफ्ट किया हमारे बच्चे। और उसके बावजूद जो गुब्बारी वाला स्कूल हमारा अपोजिट, वो भी इकट्ठे करके यहाँ पे लाया गया। हालांकि अगर इन स्कूलों की बात करें, 3 स्कूल इकट्ठे हुए, उनके अपने 3-3 टीचर इसी मान के चलते तो 9 टीचर बन जाते हैं सर, 3x3x3 करके वो तो 9 टीचर हो जाते हैं। उसके बरक्स अभी हमारे पास प्रेजेंटली 1 टीचर है, यानी कि जो 150 पुलिस बच्चे जो हमारे अभी प्रेजेंटली जो यहाँ पे स्कूल में है इस टाइम, उनके पास केवल 1 टीचर है। यानी कि अगर हम भेड़ बकरियों के साथ भी जाते हैं, 150 भेड़ बकरियों के, वहाँ भी 3 या 4 बंदे लगते हैं उनको संभालने के लिए। आप भी जरा, आप लोग भी इस एजुकेशन पार्टी के आप आगे गए हैं, चाहे वो DC है, MLA है या कोई भी हमारा प्रधानमंत्री है, और वो समझ सकते हैं इस बात को कि यहाँ की अभी जो ये पोअर फैमिली है, जितने भी यहाँ पे खड़े हैं हमारे पीछे, यहाँ के सब यहाँ के बाशिंदे हैं, सबके बच्चे हैं यहाँ पे, खुद मजदूरी पेशा है, जो कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम नहीं दे सकते हैं, और हम मजबूरी इस गवर्नमेंट स्कूल की तरह रुजू करते हैं। और यहाँ की हालात ऐसी है कि हम तो तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम तब से खराब हो गया। हमें 2001 से लेके 2010 तक यहाँ पे एजुकेशन हमने हासिल की, लेकिन तब ये हो रहा था कि वहाँ पे हमारे पास तब रोड नहीं थी, हमारे पास कोई प्रेजेंटली यहाँ का लोकल टीचर नहीं था कि जो हमें प्रॉपर एजुकेशन दे सके। तो हम सोचते हैं कि आज के टाइम में भी अगर हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ तो नाइंसाफी होगी सर, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल खराब हो, कल वो भी जो हमारी पोस्ट है जैसे लेबर पोस्ट है या भेड़ बकरियों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनको भी जाना पड़े। और हमारी फाइनेंशियल यहाँ पे बहुत बिल्कुल कम है कि इसकी वजह से हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं दे सकते या श्रीनगर नहीं ट्रांसफर कर सकते ताकि वहां पढ़ सके। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारी हायर अथॉरिटीज हैं, हमारे अभी आप प्रिंसिपल साहब थे, हम उनके पास गए, रिक्वेस्ट लेके गए कि सर हमारे यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है कि 150 बच्चों के पास आपने केवल 1 टीचर रखा है, जो हमारे नाकाबिले बर्दाश्त है यहाँ की। तो अब उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऐसा पावर नहीं है कि हम आपको टीचर फिर भेज दें यहाँ से, कि हमारे पास ऑलरेडी स्टाफ कम है यहाँ के, ताकि हमारे पास भी 12 क्लासे हैं, उनके पास खुद टीचर कम है, तो अभी यहाँ पे टेम्परली बेसिस पे कहीं दूसरे टीचर उठा के दो, अभी जब बात चली पेरेंट्स यहाँ इकट्ठा हुए, उसके बावजूद इन्होंने कहीं और स्कूल से उठा के यहाँ पे अभी प्रेजेंटली लाए हैं। ऐसा सिस्टम तो नहीं चलेगा, अगर डेली हम बच्चों के पीछे रहेंगे, हमारे बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, टीचर है या नहीं है, तो हम इनको पढ़ा कैसे सकते हैं। जब हम मजदूरी ना करें, अपनी और कोई कारोबार ना संभालें, तो इन बच्चों का क्या होगा, आगे आने वाला फ्यूचर कैसा बनेगा। सर, ये लोग हैं जो अभी ये इसी स्कूल से गुजरे हैं, देखो अभी तो इनको अपना नाम नहीं आता जो मैट्रिक गए। मैं खुद TDC तक पढ़ा हूं सर, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हो सही,
यानी कि 12 साल हमें टीटीसी क्लियर करने को लगते, मुझे 18 लगे फिर भी क्लियर नहीं हुई। रीजन कह रहा कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत कमजोर था, तो लिहाजा रहे कि हम कह रहे हैं कि हमारे साथ तो नाइंसाफियां होगी हमने देख ली, लेकिन आने वाला वक्त जो हमारे बच्चों का है वो ना खराब हो जाए कहीं। इसके लिए हम एमएलए साहब, अब वो तो हमारे है नहीं अभी कोई अथॉरिटी, अभी हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कम से कम इन गरीब, इन जो अभी पेरेंट्स खड़े हैं, इनके बच्चे हैं यहाँ के, इनकी तरह ध्यान दें और कम से कम यहाँ पे टीचरों को तैनात किया जाए ताकि बच्चों का एजुकेशन जो भी है वो सही तरीके से, जैसे बाकी जगहों पे चल रहा है वहाँ यहाँ भी ऐसा ही चलना चाहिए। या सबसे रिक्वेस्ट है, अभी हमारा जो अभी हायर सेकेंडरी स्कूल है इसमें भी तो यही दिखते हैं, मैं नहीं मान के चलता हूँ, या कुड़ारा है, चोटी मुला है, जबन है, यहाँ की हर दिखते हैं यही है। अब जब टीचरों से बात की जाती है तो टीचर कहते हैं कि भाई यार रोड नहीं है, फलाने नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, यार वो तो है, हम जेन्युइन पॉइंट है, हम समझ रहे हैं उसके लिए, लेकिन अभी का जो मुद्दा हमारा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब, या तो इनको यहाँ से बिल्कुल स्कूल बंद किया जाए, हम अपने बच्चों को कहीं और शिफ्ट करवाएं। अगर आपको स्कूल रखना है तो इसके लिए आपको टीचर भी भेजने पड़ेंगे। सर मेरा नाम मोहम्मद अशरफ भट्ट है, मैं चूटी मुला से। बताए क्या मामला? जी हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है जिसमें तीन स्कूल है, इन्होंने इकट्ठे किए हैं जिसकी वजह से एक टीचर यहाँ पर अवेलेबल है, बाकी कोई पता नहीं है। 3 साल से पहले सर। तो कौन कौन से स्कूल? गुब्बारी और टंग दीजिए सर, और चूंटी मुला सर। तो इन तीन स्कूल में रोल कितना है? 150 सर। 150 जी जी। तो टीचर्स टोटल एक है तायनात, बाकी अभी मैंने जाडियो साहब से बात की थी, खुद जाडियो साहब से मैंने फोन किया, जाडियो साहब से मैंने कहा कि सर यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सीओ से बात करिए।